तो भाई ये है लेटेस्ट इलाइट रोम लाइट का बीटा वर्जन, जो कि लेटेस्ट चाइना बीटा के ऊपर अपडेटेड है। और इसको मैंने मी 11X के अंदर ऑलमोस्ट 2 दिन से ट्राई करके रखा है। अब इसमें जो है क्या कुछ नए चेंजेस हैं, कैसी ऑप्टिमाइजेशन है सिस्टम की, ओवरऑल क्या कुछ आपको मिलता है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेटिंग्स में चलेंगे और ये है माई डिवाइस पेज, जिसमें MIUI 14 का लोगो है, डिवाइस MI 11X है और यहाँ पर इलाइट रोम लाइट 14 मिलेगा और ये जो बीटा वर्जन है वो 23.1.9 डेवलपर वर्जन मिलेगा। डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स में अप टू 5GB मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हो, एंड्रॉइड वर्जन 13 है और जनवरी 2023 से लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा एंड पर्फ का कर्नल आपको रोम के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस आपका सर्टिफाइड है, वाइडबैंड L1 आपको मिलेगा, गूगल फोटोज में आपको स्पूफिंग मिलेगी, बट बैकअप सेटिंग्स को स्टोरेज सेवर के ऊपर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है और यहाँ पे जो है जब मैंने रोम को नॉर्मली यूज किया तो जो मेरा एक्टिव ड्रेन है वो ऑलमोस्ट 12% पर आर के आसपास मिला, आइडल ड्रेन देख सकते हो काफी ज्यादा कम आपको मिलेगा एंड जो डीप स्लीप है वो वर्किंग है। सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ में मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड है वो 2.74 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास है। अब आई डोंट नो ये शाओमी की ओर से इशू है या फिर रोम साइड इशू है, बट यहां पे 2.74 गीगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिलेगी और 95% तक आपका सीपीयू थ्रॉटल कर जाता है। अब इसको मैंने अचीव करने के लिए भाई FKM के अंदर जो है जो डायनामिक प्रोफाइल है उसको इनेबल कर रखा है, ऑलरेडी मैंने शेयर किया है कैसे आप उसको कर सकते हो, ये आपको एंटूस स्कोर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको जो है ये Geekbench 5 के स्कोर्स मिलेंगे एंड वाइल्ड लाइफ टेस्ट के स्कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसमें जो स्टॉक कैमरा है उसका लेआउट चाइना से अपडेटेड है, MIUI चाइना का है और यहाँ पे 4K 60fps वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स मोड है, पोर्ट्रेट वर्किंग है, मोर में देखोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप LMC 8.4 वगैरह ट्राई करना चाहते हो तो इसमें भी ऑलमोस्ट सभी मोड्स वर्किंग है, लाइक जो स्लो मोशन वीडियोज है वो आप 1080p या फिर जो है यहाँ पे 1/8x तक रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल जो सिस्टम है वो काफी स्टेबल आपको मिलेगा, लाइक क्विक सेटिंग पैनल या फिर कंट्रोल सेंटर को ओपन करने में कोई लैग या फिर स्टटरिंग आपको नहीं आएगा। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसी स्पीड है और मैंने इसको जो है बैलेंस्ड के ऊपर सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना फास्ट आपके ऐप्स ओपन या फिर क्लोज होते हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड रैम मैनेजमेंट भी डेफिनेटली आपको मैं चेक करवा देता हूँ, तो कुछ ऐसे ऐप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लाइक जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड है वो सुपर स्मूथ आपको मिलेगी भाई, कहीं पे भी आपको लैग या फिर स्टटरिंग नहीं आएगा। इवन जो रैम मैनेजमेंट है वो भी एक्सीलेंट ही मैं बोलना चाहूँगा, बट कुछ एप्स माइनर से आपके जो है यहां पे ओपन या फिर जो है फोर्स क्लोज हो जाते हैं जब आप कैमरा वगैरह हैवी एप्लीकेशंस को ओपन करते हो, बट इन जनरल भाई एक्सीलेंट मैं बोलना चाहूंगा, कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स आपको रैम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग नहीं आएगी। अब फीचर्स की स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर जो है 4 टाइप वाला वो 4 स्लाइडर वाला वॉल्यूम पैनल मिलेगा, उसके बाद नया विजिट स्टोर आपको देखने को मिल जाता है और ये फुली ट्रांसलेटेड है इंग्लिश के अंदर, इसमें किटी और डॉगी वाला वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। और इधर अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको जो है आई थिंक MIUI 14 के सब यहां पे जो क्लॉक्स वगैरह है या फिर जो विजेट्स है वो देखने को मिल जाएंगे और लेफ्ट साइड में लेटेस्ट एवॉल्ट मिलेगा। सेटिंग्स में जाओगे तो यहां पे आपको जो है इलाइट कस्टमाइजेशंस देखने को मिल जाती हैं, जिसमें टॉगल्स का ऑप्शन है MIUI 11 वाली शेड में और ओल्ड एक्सटेंडेड पावर मेन्यू का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चार्जिंग एनिमेशन है, राउंडिंग द विंडो है, PIP साइज है, कलर्ड नोटिफिकेशन आइकॉन्स का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप एंड यहां पे जो है डिसेबल ग्लोबल डार्क मोड का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में इस बार आपको एक नया वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो कि आपका डार्क मोड को भी थोड़ा सा जो है सपोर्ट करता है बेसिकली, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इलाइट का वॉलपेपर आपको मिलेगा और डिस्प्ले में आपको रिफ्रेश रेट 120Hz का मिल जाएगा बट UI ओल्ड आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो है AI इमेज इंजन में 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बाकी जो है साउंड एंड टच के अंदर कोई नया चेंज नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में कंट्रोल सेंटर MIUI 14 वाला है और ये स्टेटस बार के ऑप्शंस हैं और जो स्क्रीन यहाँ पे जो आपका सिस्टम लॉन्चर है ना वो आपको लेटेस्ट MIUI 14 के ऊपर बेस्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आइकॉन की कस्टमाइजेशन है और ये मोनेट आइकॉन्स जो कि गूगल एप्स को ही सपोर्ट करते हैं वो आप इनेबल कर सकते हो एंड अप टू 8x22 तक आपको जो है मैक्सिमम ग्रिड्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 5 टाइप्स के रीसेंट्स देखने को मिलेंगे, iOS में 2 टाइप के हैं, बाकी ओल्ड स्कूल क्यूबिक एंड स्टैंडर्ड वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। और ये वाला जो लॉन्चर है ना ये पैच्ड है तो यहाँ पे आपको एक पैच्ड वर्जन मिल जाएगा इसका। उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग यहाँ पे ऐड किया है, एडिशनली देखोगे रीजन का ऑप्शन मिलेगा, मेमोरी एक्सटेंशन अप टू 5GB है, क्विक रिप्लाइज वगैरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और बाकी वही सब चीज़ें
आपको मिलेंगी। और इसके चेंज लॉग में भी जो है Xiaomi की ओर से कुछ फिक्सेस किए गए हैं, FOD डिवाइसेस के अंदर कुछ इश्यू था तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं, बट यहाँ पे विजिबल आपको नहीं होने वाले ज़्यादातर। अब ओवरऑल रोम है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आपको मिल जाती है, बट यहाँ पे ना वो क्लॉक स्पीड की वजह से मे भी इशू है या फिर आई डोंट नो क्यों, बट यहाँ पे मैंने जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया और भाई यहाँ पे ना लैग मेरे को फील हो रहा था गेमिंग के अंदर, बट बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। लाइक ना FPS ड्रॉप होता है बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब आप ऑन करते हो तब होता है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लैग नहीं फील होने वाला। क्लोज रेंज में भी मेरे को वो दिक्कत नहीं आई बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, टचेस वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे एंड कोई मेजर हीटिंग इश्यूज फेस करना नहीं पड़ा। सो ओवरऑल जो रॉम है वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है गेमिंग के लिए, बट स्टिल वो जो 2.74 GHz वाला इशू है ना उसकी वजह से मे भी यहाँ पे Mi 11X में आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।